हर एक बड़ी मूवी में एक ऐसी स्पेशल पावर होती है जिसकी बदौलत वो मूवी चलती है, चाहे वो उसके हीरो में रहे या उस मूवी की स्टोरी में रहे। अब चाहे आप कितनी बड़ी मूवी को उठाकर देख लो, चाहे आपकी KGF 2 को देख लो या RR को देख लो, उसमें भी एक स्पेशल पावर थी जिसकी बदौलत उन मूवी ने हजारों करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन उन मूवी को किसी को महीना बीत गया और किसी को साल बीत गया, लेकिन हम बात करने वाले रणवीर कपूर की मूवी एनिमल के बारे में। एक लंबे समय से ये मूवी चर्चा का विषय बनी हुई थी, कब तो इसे पोस्टपोन किया जा रहा था, कब इसे टीजर रिलीज किया जा रहा था, कब इसका क्या रिलीज किया जा रहा था, लेकिन फाइनली आज वो प्री टीजर हमारे सामने आ चुका है। अब इस मूवी की स्पेशल पावर क्या होने वाली है वो इनके प्रोड्यूसर ने पहले बता दिया था कि हमारी मूवी में क्या वैल्यूज ऐड की जाएगी, और टीजर देखने के बाद में वो वैल्यूज हमें नजर भी आ रही है। अगर हम बॉलीवुड के बारे में ये कहें कि यहाँ पर कंटेंट की कमी है तो वो कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल हर कोई रीमेक में बिजी है तो कोई किसी और काम में बिजी है। लेकिन इस समय एक मास मसाला वाली मूवी आई है जिसका नाम होने वाला है एनिमल। तो हाय हेलो वेलकम, कैसे हो आप सभी लोग, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जिसका वेट किया जा रहा था फैंस का वो इंतजार हो चुका है खत्म। रणवीर कपूर की साल 2023 की सबसे बड़ी और मच अवेटेड मूवी एनिमल, जिसका टीजर हमारे सामने आ चुका है। और इस मूवी की जो चर्चा थी वो एक लंबे समय से बनी हुई थी, कभी इसका पोस्टर हमारे सामने आता था और कभी इसे पोस्टपोन्ड किया जा रहा था। तो ये मूवी उन इरादों पर खरा उतर पाएगी जो कि इनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने पहले बोल दिया था कि ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी वायलेंस वाली मूवी रहेगी, इसमें आपकी KGF 2 भी पीछे छूट जाएगी। तो टीजर देखने के बाद में वापस वो वायलेंस वाली याद आ रही है कि वाकई में इसे भी हमें वायलेंस देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी टीजर कहीं ना कहीं फीका नजर आ रहा है। टीजर में रॉकी भाई जैसे डायलॉग हमें देखने को नहीं मिले जो कि सीधे लोगों के दिलों पर राज करे, और किसी भी बड़ी मूवी को चलाने के लिए जो डायलॉग होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। चाहे आपकी मूवी कितनी बड़ी हो और कितनी बड़ी स्टोरी क्यों ना हो, अगर आपकी मूवी में काफी अच्छी वैल्यूज ऐड नहीं की गई तो वो मूवी नहीं चलेगी। अगर इस टीजर की बात की जाए तो टीजर में उतनी वैल्यूज हमें नजर नहीं आई है, क्योंकि टीजर में जो BGM साउंड कर रहा है वो तो KGF 2 को भी टक्कर दे रहा है, और KGF 2 अपने समय की सुपरहिट रही थी और ये भी अपने समय की सुपरहिट मूवी रहेगी। तो टीजर की शुरुआत हो चुकी है सॉन्ग और BGM दोनों को मिलाकर, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ टीजर आगे बढ़ता है और टीजर में वो वायलेंस वाला चैप्टर हमें नजर आ रहा है, जहां पर एक बड़ी गैंग अपने BGM और सॉन्ग के साथ कहां पर एंट्री मार रहे हैं। और वहां पर हमारे सबसे बड़े एनिमल की एंट्री हो चुकी है जिनका नाम है रणवीर कपूर। अब उन्होंने भी रॉकी भाई की तरह हथौड़ा नहीं लिया, उन्होंने कुल्हाड़ी ली और कर दिया सभी पर वार। वार करने के बाद में सभी एक एक टपकते हैं और उसके बाद में जो मूवी का जो चैप्टर है वो भी हमारे सामने आ चुका है। टीजर देखने के बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मूवी की जो स्टोरी रहेगी वो इसे लेकर आगे बढ़ेगी या उससे लेकर आगे बढ़ेगी। टीजर में सिंपल सी वायलेंस दिखाई गई और कम्प्लीटली मारकाट दिखाने की कोशिश की गई है। टीजर के उन पॉइंटों की बात कर लेते हैं जो काफी अच्छे भी और काफी खराब भी है। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो टीजर में जो बैकग्राउंड में जो BGM साउंड कर रहा है वो KGF 2 को भी टक्कर दे रहा है, और BGM काफी अच्छा लग रहा है और लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। उसके बाद में BGM और जो सॉन्ग का कॉम्बिनेशन बनाना वो बाप लेवल का बनाया, क्योंकि BGM के साथ अगर आपने सॉन्ग ऐड किया तो वो काफी बेटर रहा, और उसके बाद में जो रणवीर कपूर की जो वॉयलेंस देखने को मिली है वो भी काफी बेटर रही है। उसके बाद में अगला पॉइंट ये है कि जो मूवी का जो टीजर था ना वो पर्याप्त टीजर था, उसके बाद में एक टीजर और रिलीज किया जा सकता, और ये प्री टीजर था जिसकी जो लेंथ थी वो भी काफी बेटर थी, और वो चीजें जो थी ना वो एक्सप्लेन नहीं की गई है। अब इस मूवी को जो रिलीज किया जा रहा है वो 11 अगस्त के दिन रिलीज किया जा रहा है, जो कि गदर 2 के साथ रिलीज किया जा रहा है। हालांकि इस मूवी ने अपनी हाइप बना ली, अपनी जो वैल्यूज है वो भी बना ली है। अब 11 अगस्त को दोनों मूवीज का सामना होगा, इसमें गदर 2 जीतेगी या एनिमल जीतेगी। गदर 2 की जो वैल्यूज है वो काफी ऊपर हो चुकी है, क्योंकि गदर 2 को लोग इमोशनली टच हो चुके हैं, हर कोई उस 22 साल पुरानी लव स्टोरी को देखना चाहेगा। तो ऐसे में जो एनिमल वो अपनी तरफ लोगों को कैसे खींचेगी, हालांकि वॉयलेंस वाला जो टॉपिक है वो काफी बेटर रहा है। उसके बाद में टीजर के अगले पॉइंट की बात करें तो टीजर में एक कमी देखने को मिली है जिसका नाम है डायलॉग। अगर आपकी मूवी में डायलॉग अच्छे नहीं होंगे तो आपकी मूवी कितनी भी स्टोरी अच्छी हो, चाहे आपका कितना ही बड़ा बजट हो, वो चीजें वैल्यू नहीं रखती है। और किसी भी बड़ी मूवी और छोटी मूवी को चलाने के लिए डायलॉग काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, हालांकि आपने टीजर में एक दो डायलॉग डाल दिया होता तो वो काफी बेटर रहता। वैसे टीजर में जो मारकाट वाला जो चैप्टर देखने को मिला वो तो भरपूर देखने को मिला, उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रही है, और वो लोगों को अपनी तरफ खींचे भी, क्योंकि इस मूवी की जो हाइप बनी वो एक लंबे समय से बनी हुई थी।